जबर शतर तखत दे माला धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी च सिख पंथ दे महान ते पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल वेखे जुड़ बैठी साध संगत जी एक बारी फिर फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज 4 जुलाई नू असी उह दिन मना रहे हां जदों अज दे दिन 1955 दे विच भारत सरकार दे आदेश दे उत्ते उस वेले दे पंजाब सरकार दे मुख मंत्री भीम सैन सच्चर दे आदेशां दे उत्ते सचखंड श्री हरिमंदर साहब ते श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते स्वतंत्र भारत दे विच पहला हमला जिहड़ा है वह होया सी। दुनिया भर दे सिख 84 दे हमले बारे जानदे है पर 1955 दे विच पहला हमला श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते आजाद भारत सरकार ने कीता सी इस बारे बहुत घट लोगों नूं पता है। 1947 तो पहला हिंदुस्तान दे विच 3 धिरां सन 3 कौमां सन एक मुसलमान दूसरे हिंदू ते तीसरे सिख। मुसलमानां ने अपना वखरा देश लै लिया पाकिस्तान ते सिखां ने अपनी होणी जिहड़ी सी उह हिंदुस्तान दे नाल जोड़ दित्ती। क्यों जोड़ी किवें जुड़ी इह वखरा विशा है। भारत दे उस वक्त दे लीडरां ने जिहदे विच महात्मा गांधी जवाहर लाल नहरू वर्गियां ने सिखां नूं यकीन दवाया कि जदों हिंदुस्तान आजाद होया तुहाडे सारे हक हकूक जिहड़े है वह कायम रखे जाणगे, तुहानूं एक ऐसा खिता दिता जाऊगा जिस खिते दे विच तुहाडी पंजाबी भाषा सुरक्षित होएगी, जिस खिते दे विच तुहाडे धर्म ग्रंथ सुरक्षित होणगे, जिस खिते दे विच तुहाडियां परंपरावां मानतावां सुरक्षित होणगियां। पर जदों ही 1947 दे विच मुल्क आजाद होया ते भारत दे जिहड़े लीडर सी वो अपने वादियां तों मुकर गए। बिल्कुल उसे तरह जिवें आनंदपुर साहब दी पावन धरती दे उत्ते पहाड़ी राजे गऊ दी सौं खा के मुकरे सी। इह साडे नाल पहली वारी नहीं होया, कई वार होया, असीं यकीन कर लैंदे हां। पहाड़ी राजा ने भी सौं खाधी सी। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कहा सी कि तुसी आनंदपुर साहब दा किला खाली करके चले जाओ, असी हल्ला नहीं करांगे। मुगल फौजां ने सौं खाधी सी कि आनंदपुर साहब दा किला खाली कर दिओ, असी तुहाडे ते हमला नहीं करांगे। पर ज्यों ही श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहब दा किला खाली किया, पहाड़ी राजा ते मुगल फौजां दे जिहड़े सांझे जिहड़े दस्ते सी सैना दे उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के उत्ते हमला बोलिया। उस तरह 1947 तो बाद सिख लीडरां दे कोल भारत दे लीडरां ने जिहड़ा सी पक्का विश्वास दवाउंदिआं वादा किया कि आजाद हिंदुस्तान दे विच तुहानूं तकलीफ नहीं आउण दित्ती जाऊगी। पर ज्यों ही 1947 होया हजारां नहीं लखां सिख अपनी जान माल गवा के उजड़े जदों भारत की धरती दे उत्ते आए तो पहला तोहफा जिहड़ा मिलिया वह ये मिलिया कि यह जराइम पेशा लोग ने इन्हां ते निगाहबानी की जाए। फिर दूसरा जिहड़ा काम किया वह ये किया कि पाकिस्तान तो जिन्ने सिख साडे उजड़ के आए सी उन्हां नूं हरियाणे दे विच जिहड़ा अज हरियाणा इस इलाके दे विच वसाया जा सकदा सी, अज जिहड़े हनुमानगढ़ गंगानगर वर्गे राजस्थान दे जिहड़े जिले लगदे आ उन्हां च वसाया जा सकदा सी, पर एक नीति दे तहत पूरे भारत दे विच सिखां नूं खलारिया गया। कोई बंबई जाके बैठा, कोई हैदराबाद जाके बैठा, कोई यूपी दे तराई खेत्र दे विच जाके बैठा, किसे नूं किते जमीन अलाट कीती, किसे नूं किते जमीन अलाट कीती, वी सिखां नूं इक्को जगह दे उत्ते इकट्ठे करना इह ठीक नहीं है।
एडी वड्डी जिहड़ी सी साडे खिलाफ साजिश रची गई। हिंदुस्तान भर दे विच भाषा दे आधार दे उत्ते सूबे बनाए गए, पर जदों पंजाब दी वारी आई ते पंजाब नूं कोरा जवाब दे दिता गया। ते जदों मास्टर तारा सिंह जी दी अगवाई दे विच श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सहयोग दे नाल पंजाबी सूबा दे हक दे विच जदों आवाज़ उठाई गई तां उस वक्त दी जालम सरकार ने पंजाबी सूबा मोर्चा जिंदाबाद कहण दे उत्ते पाबंदी ला दित्ती। कहा जाता है कि भारत दे विच बोलण दी आज़ादी है, बोलण दी आज़ादी होएगी, पर सिखां ते बोलण दी आज़ादी जिहड़ी है 1955 दे विच खो लई गई। जे सिखां ने अदालत दा रुख किया, जे सिख हाई कोर्ट गए कि सानू बोलण दी आज़ादी होनी चाहीदी है, क्योंकि कहा गया सी कि आज़ाद भारत दे विच बोलण दी आज़ादी होगी, अज सानू किवें पंजाबी मोर्चा जिंदाबाद बोलण तो मना किया जा रहा है। और कोर्ट ने भी उस वक्त श्रोमणी अकाली दल की पटीशन नू जिहड़ा सी उह खारज कर दिता, कोर्ट तो भी इंसाफ नहीं मिलिया। हार के श्री अकाल तख्त साहब ते अरदास करके सिखा ने मोर्चा लाया। मास्टर तारा सिंह उस वक्त श्रोमणी अकाली दल दे लीडर सन, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सहयोग दे नाले मोर्चा लग्या ते उस मोर्चे दे विच हजारां गिरफ्तारियां होईयां। इत्थों तक नौबत आ गई कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते श्रोमणी अकाली दल ने यह कह दिता कि इस मोर्चे दे विच गिरफ्तारियां जिहड़े आ उह सिख देणगे जिहड़े अमृतधारी होणगे, ते सिखां दे मनां दे विच चाह सी, जगह जगह अमृत संचार होने लगे ते सिखां ने जेल जाण वास्ते अमृत छकना शुरू कर दिता, अमृतधारी होण लग पए। साध संगत जी, ते जदों ये मोर्चा भखिया, इस मोर्चे नूं दबाउण वास्ते 4 जुलाई 1955 दे विच पहली वेर नहरू सरकार जिहड़ी उस वेले दी सरकार सी उहदे हुकम दे उत्ते उस वेले दे सांझे पंजाब दे मुख्यमंत्री दे आदेशां दे उत्ते इत्थे पुलिस फोर्सां जिहड़ियां है उह भेजियां गईयां, जिन्हां ने श्री अकाल तख्त साहब श्री दरबार साहब दे उत्ते जिहड़ा सी उह हमला कीता। आ देख रहे हो तुसीं उस वेले टीयर गैस दे जिहड़े गोले सी उह परिक्रमा दे विच सिख संगत दे उत्ते छड्डे गए, बूटां दे सणे जिहड़ा है उह पुलिस जिहड़ी सी उह परिक्रमा दे विच दाखल होई, सिखां नूं लंगर पाणी ना मिले। श्री गुरु रामदास पातशाह दा जिहड़ा नां दे उत्ते बणिया लंगर हाल है, इस लंगर हाल दे उत्ते जिहड़ा है उह कब्जा कर लिया गया, राशन पाणी जिहड़ा है उह बंद कर दिता गया। पर तन सन उस वेले दे सिख जिन्हां ने श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते संगतां वल्लों लियांदा जिहड़ा सी लंगर वरताउणा शुरू कर दिता, कमी कोई नहीं आई। 47 दे विच भारत आजाद होया ते 1955 दे विच पहला हमला जिहड़ा सचखंड श्री हरिमंदर साहब ते श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते उस वक्त दी हकूमत ने कर दिता है। 8 सालां बाद यह हमला करके उन्होंने जिता दिता सानू कि इस आजाद भारत दे विच सिखां दी की कीमत है साडी नज़र दे विच, साडी दृष्टि दे विच। साध संगत जी, अज सानू सोचण ते समझण दी जरूरत है। वक्त दी हकूमत जिहड़ी आ उह नहीं चाहुंदी कि श्री अकाल तख्त साहिब तों सिखां दी जिहड़ी है किसे राजनीतिक एजेंडे दी गल होवे। जे असीं किसे राजनीतिक एजेंडे दी गल करिए ना, गैर सिखां दा छड्डो, उन्होंने तो यह कहना ही कहना है कि श्री अकाल तख्त साहब तो जथेदार जिहड़ा राजनीतिक गल्लां करदा है, साडे सिख खुद कहन लग पैंदे ने कि जथेदार राजनीतिक गल्लां करदा है। ते उदां असीं कहने आ श्री अकाल तख्त साहब मीरी पीरी दा सिद्धांत दा जिहड़ा है इक मुजस्समा है, श्री अकाल तख्त साहब मीरी पीरी दे सिद्धांत दा जिहड़ा है इक प्रगटा है। ते जे श्री अकाल तख्त साहब मीरी पीरी दे सिद्धांत दा इक जलाओ है, प्रगटा है, तां इत्थों फिर धार्मिक गल्लां भी होणियां चाहीदियां श्री अकाल तख्त साहब दी फसील तों, ते श्री अकाल तख्त साहब दी फसील तों सिखां लई राजनीतिक एजेंडा भी जिहड़ा है उह तय होना चाहीदा है। पर साडे सिख ही विरोध करन लग जांदे ने गैर सिखां दी छड्डो। साध संगत जी, जरूरत है अज सानू सोचण समझण दी, किन्ना कु चिर जिहड़ा है असीं इस तरह जिहड़ा है उह मारां खांदे जावांगे। अज पंजाब दे विच
या पंजाब छोड़ो पूरे हिंदुस्तान दे विच सिखां दी रासी धिर कहड़ी है, जड़ी रासी धिर है उन्हों असी धिर मनन नू तैयार नहीं। की फिर दूसरियां पार्टियां सिखां दी रासी धिर बनन गियां? कौन बनेगा सिखां दी रासी धिर? सिखां दी रासी धिर दा मजबूत होना इस पंजाब दी धरती दे उत्ते बहुत जरूरी है, चाहे वह कोई भी होवे, लेकिन सिखां दी अपनी रासी धिर जिहड़ी है वह होनी चाहीदी है। बाकी पार्टियां जिहड़ियां सिखां दी धिर नहीं बन सकदियां, सिखां दी रासी धिर नहीं बन सकदियां। इस करके साध संगत जी कुछ सोचिए, किन्ने को हमले जिहड़े है असी सहांगे? असी मुगलां वेले हमले सहे, असी अंग्रेजां वेले सहे, असी हुण भी सह रहे हैं, फिर फर्क की है? हिंदुस्तान दे विच 1947 तो बाद पहली वेर 1955 का जो ये हादसा होया, जो ये अटैक होया, उस वक्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सकत्र साहबाना ही गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उस वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के मुख ग्रंथी ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी को बंदी बनाया गया। श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी अक्षर सिंह जी जिहड़ा है वह बंदी बना के जेल के भेजा गया। ये पहलियां गिरफ्तारियां हुई आजाद भारत के विच साडे सन्मानजनक सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के मुख ग्रंथी के अहुदे ते बैठे सिंह साहब ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी की, जां मुगलों वेले गिरफ्तारी हुई सी भाई मनी सिंह जी की, ते जां फिर आजाद भारत के विच गिरफ्तारी हुई सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के मुख ग्रंथी ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी की, सिंह साहब ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी की। अज वक्त है कि असी जिहड़े सिख हाँ ये छोटे छोटे मतभेद भुला के आपस के श्री अकाल तख्त साहब जी की सरप्रस्ती इकट्ठे होइए, गुरद्वारा प्रबंध ते कब्जे की लड़ाई नू लैके असी जिहड़ा है आपस के इन्नियां दूरियां बना लई हैं कि असी श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते भी इकट्ठा होने तो ग्रेज करते हैं, संकोच करते हैं। जो इलैक्शन आउणगे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के, लड़ लियो इलैक्शन, जित लियो इलैक्शन, पर श्री अकाल तख्त साहब की अगवाई दे विच, श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती दे विच सिखां दे सारे धड़ां नू जिहड़ा है, धड़ियां नू जिहड़ा है मतभेद भुला के इकट्ठे होना चाहीदा है। फिर असी सरदार साध संगत जी बचांगे, साडी फिर मर्यादा बचेगी, फिर साडियां पग्गां बचणगियां, फिर साडी रहत मर्यादा बचेगी। ते नहीं अज की हो रहा है, अज साडे धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह भी सुरक्षित नहीं, जगह जगह धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे पावन सरूपां नू अगां लाईयां जा रहीयां ने। अज नगर जौलियां दे विच श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग पए ने, जिथे एक सरफरी बीबी वालों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन सरूपां नू जिहड़ा है वह अगन भेट किया गया। वह बीबी फड़ लई गई है, लेकिन उस बीबी दे पिछे किहड़ियां ताकतां ने, कौन ताकतां ने? यह सरकार ना कढेगी ते ना सरकार ने कढ़ना है, क्योंकि वह शक्तियां कोई छोटिया मोटिया शक्तियां नहीं होनिया, बहुत वड्डिया शक्तियां। वह बीबी फड़ लई है, बीबी अंदर भी हो जाएगी, बीबी नू सजा भी हो जाएगी उस दुष्ट नू, पर उस दुष्ट बीबी तो कारा किने करवाया है? इस नू जिहड़ा है वह बेपर्द कौन करेगा? अज जरूरत है कि असी सिर जोड़ के बैठीए। पिछले साल भी अज दे इस दिहाड़े नू समर्पित श्री अखंड पाठ साहिब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आरंभ करा के अज दे दिन समाप्ति कीती सी, लेकिन उस वक्त दीवान नहीं सी सजे, अज दीवान सजाए ने। बीबी जगीर कौर जी बैठे ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी, मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा कि उन्होंने अज दे दिन समागमां दा प्रबंध किया है। चाहीदा तां इह कि 1984 दे जिहड़े तीसरे घल्लूघारे दे समागम ने श्री अकाल तख्त साहिब ते हुंदे, असी 10 मिंटां दे विच समाप्ति कर दिंदे आ, 20 मिंटां च समाप्ति कर दिंदे आ। क्यों? क्योंकि कई साडे सिख ही जिहड़ा है वह आ के उत्थे इन्ना खलबली मचा दिंदे आ कि समागम जिहड़ा है वह जल्दी समाप्त करना पैंदा है। जे असी सारे सिख इकट्ठे हो के जुड़ बैठ के यह फैसला कर लईए कि 84 दे घल्लूघारे का समागम भी असी शानो शौकत नाल वड्डे इकट्ठां दे विच जिहड़ा मनाउणा है, ते असी मना सकदे हां साध संगत जी। उतों असी दस सकते हैं कि 6 जून 1984 नूं साडे नाल की वापरिया सी, लेकिन असी ऐसा करना ही नहीं चाहते। मजबूरन बस प्रबंधकों नूं वह समागम जिहड़े ने वह अद्धे पौने घंटे दे विच समाप्त करने पैंदे ने, ते दोष असी प्रबंधकों सर दिंदे हां कि समागम नूं जिहड़ा है छेती समाप्त क्यों कर देंदे ने।
जे असीं उत्थे शांति नाल बैठीए, घंटा शांति नाल बैठीए, दो घंटे शांति नाल बैठीए, उत्थे असीं सुणीए, तां फिर साध संगत जी असीं अपनी कौम नूं जानकारियां दे सकदे हां कि अज दे दिन साडे पिंडियां दे उत्ते की जिहड़ा सी ओह बीतिया सी। अंत दे विच तुसीं अज दे इस इतिहासिक दिहाड़े दे समागम दे मौके गुरद्वारा दीवान हाल मंजी साहिब विखे पहुंचे हो। मैं आप सारियां संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का फिर मैं एक बारी धन्नवाद करदा, क्योंकि उन्होंने अज दे इस इतिहासक दिन नूं वड्डी पद्धर दे उत्ते मनाउण दा जिहड़ा है ओह उपराला कीता है। और अगां नूं ये भी असी बीबी जी नूं कहांगे कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगवाई दे विच इस दिन नूं जिहड़ा है होर वड्डे पद्धर दे उत्ते गुरुद्वारा दीवान हाल मंजी साहिब विखे मनाया जाया जा सके, ताकि असीं दस सकीए सिखां नूं कि आजाद भारत दे विच 84 दे विच जिहड़ा सी ओह हमला नहीं सी होया साडे धार्मिक स्थानां ते, बल्कि पहला हमला जिहड़ा है ओह 4 जुलाई 1955 नूं होया सी, उस वक्त दी भारत सरकार ने जिहड़ा कीता सी। इन्ने शब्द प्रवान करने, बहुत बहुत सब का धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।